हेलो गाइस, आज हम इडली बना रहे हैं आलू और सूजी को मिलाकर। तो हमने उबले आलू लिए हैं 3 और 1 कटोरी सूजी। अब हम सूजी का पेस्ट बना लेंगे। एक बाउल में हमने सूजी को डाल लिया है। अब इसमें हम दही या मठा कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ मठा यूज़ कर रहे हैं। अब मठा ऐसे हमने डाल लिया है, 1 कटोरी हमने मठा लिया रहा। अब इसको हम घोर लेंगे, हम इसको 5 मिनट अच्छे से फेंट लेंगे। हमने इसे फेंट लिया है, अब इसे हम 5 मिनट रेस्ट में रख देंगे क्योंकि हमारी सूजी फूलेगी, इसलिए हम इसे रेस्ट में 5 मिनट रख देते हैं। अब हम इडली में भरने के लिए आलू की स्टफिंग बना लेंगे। तो हमने जो 3 उबले आलू लिए रहे इसको हम छील लेंगे और पीसेस में कट कर लेंगे। 1 अनियन ली है, इसको हमने काट लिया है। धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च आधी चम्मच, 1 चम्मच अमचूर, आधी चम्मच हल्दी, हरी मिर्च हमने 2 काट ली हैं और अदरक थोड़ी सी, और 1 चम्मच नमक, आप टेस्ट के अनुसार भी ले सकते हैं, और हींग ले लिए 1 पिंच। हमने पैन चढ़ा दिया है, अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल लेंगे और इसे गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल गरम हो गया, अब इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चम्मच राई। अब ये थोड़ा सा गरम हो जाए, ये हमारा हो गया जीरा। अब इसमें हम मिर्च और अदरक डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा चला लेंगे हम। अब प्याज डालेंगे, प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे, ये लाल ना हो पाए, हमें हल्की सी ब्राउनी रखनी है इसको। प्याज हो गई है, अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें अब हम आलू डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू प्याज मिक्स हो गई है, अब इसमें हम नमक डाल लेंगे और अमचूर, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक बड़ी सी गंजी लेकर उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिए, 1 गिलास हमने पानी डाल लिया है और उसमें स्टैंड रख दिया है और हाई फ्लेम पे इसे गर्म होने देंगे। अब हम ग्लास ले लेंगे और उसमें तेल लगा लेंगे। ये देखिए हमारी सूजी को 5 मिनट हो गए हैं, अब ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए रेडी हो गया है पेस्ट, इस तरह होना चाहिए पेस्ट हमारा। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच राई और मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। ये हमने मिक्स कर लिया, अब इसमें 1 इनो का पाउच डालेंगे, ये इसमें हम डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हमने इनो डाला है इसलिए इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और अभी हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हमने 1 ग्लास ले ली है अपनी, अब इसमें हम इडली का पेस्ट डालेंगे थोड़ा थोड़ा, ये नीचे साइड थोड़ा सा पेस्ट हमें डालना है। ये हमने डाल लिया है, अब इसमें हमने जो आलू बनाया रहा अपना वो डाल लेंगे। ऐसे हम लंबे में रोल कर लेंगे और ऐसे रख देंगे इसमें।
ये देखिए अब इसके ऊपर हम फिर से पेस्ट डाल देंगे। हमें इसमें पेस्ट आलू जितना कवर हो जाए उतना भर लेना है, ज़्यादा नहीं भरना है। ये हमारा कवर हो गया है और ये रेडी भी हो गया है। अब हम इसमें ग्लासेस को रखेंगे। अब हमारा पानी भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये एक रख देंगे, इसे इडली की प्लेट हमें रख लेना है। अगर नहीं हो तो आप सादी प्लेट भी रख सकते हैं। अब इसमें हम ग्लास रखेंगे अपनी। ये देखिए हमने रख लिया है। अब इसे हम 15 मिनट ढक कर रख देंगे। मीडियम फ्लेम में ही 15 मिनट पकने रखना है। देखिए हमारे 15 मिनट्स हो गए हैं और देखिए कितने अच्छे भी आ गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे थोड़ा सा ठंडा होने पर। ठीक, कितने अच्छे दिख रहे हैं, चिपक भी नहीं रहे हैं। ये हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए निकल गया है, ऐसी बाकी निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस हमारे निकल गए हैं कितने अच्छे तरह से। ये देखिए हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और हम इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो हम एक इसे काट लिए इस तरह से, अब हम बाकी को फ्राई कर लेते हैं। हमने पैन चढ़ा दिया है गरम होने। अब इसमें हम तेल डाल लेंगे 1 चम्मच। ऑयल गरम हो गया, अब इसमें हम राई डालेंगे 1/2 चम्मच और इसे गरम होने देंगे। अब इसमें हम मीठी नीम की पत्तियां और हरी मिर्च को हमने काट लिया है 20 से, उसको डाल लेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी सफेद तिली डाल लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे और धनिया पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए इसे डाल लेंगे ऐसे। ये देखिए हमने इसमें डाल लिया और कितना अच्छा दिख रहा है। अब इसे गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी धनिया पत्ती कटी हुई डाल लेंगे। ये देखिए अब इसे हम एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। ये हमारा हो गया है। देखिए गाइस ये हमारा रेडी हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप घर में ज़रूर बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइए कैसा बना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।